नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र सिंह चौहान और आप देख रहे हैं सागवाड़ा लाइव न्यूज़। इस वक्त हम डूंगरपुर ज़िले के सागवाड़ा नगर पालिका अंतर्गत वार्ड नंबर 8 वड़ियों का डूंगरा इस क्षेत्र में आए हुए हैं। वार्ड में कुछ समस्याएं हैं, इसके बारे में बात करेंगे और यहां पर किस तरह की समस्याएं वार्डवासियों से जानने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या जो आपको दिखाई दे रही है ये रोड की समस्या है, जहाँ पर बारिश में पानी भरा रहता है और इसकी वजह से यहाँ पर वार्डवासी बताते हैं कि बहुत सारे लोग बाइक से स्लिप होकर गिर जाते हैं। हमारे साथ यहाँ पर सर, आपका शुभ नाम? जितेंद्र। जितेंद्र जी, बताएं यहाँ पर किस तरह की वार्ड में समस्या, मूलभूत समस्याएं किस तरह की हैं? यहाँ पर इस वार्ड में मूलभूत समस्या ये है, पिछले कई महीनों से क्या सालों से मेरे को, जहाँ तक मैं यहाँ पर रहने आया हूँ तब से मेरे को पता है कि सबसे बड़ी समस्या थी यहाँ रोड की समस्या है। और आप जैसा देख रहे हैं यहाँ पे कि इसमें कीचड़ भरा, काफ़ी कीचड़, बारिश जब भी होती है तब काफ़ी कीचड़ हो जाता है, तो बाइक वाले गिरते ही रहते हैं। नगर पालिका को भी अवगत कराया है लेकिन इसकी सुनवाई अभी तक हो नहीं पाई है। और आगे जाते हैं तो ये लगभग 2 किलोमीटर लंबा रोड है, आगे आमंत्रा वगैरह गलियाकोट रोड से जुड़ता है और बीच में हर जगह 2-3 जगह यही कंडीशन है, कीचड़ होता रहता है, नहीं फिर भी नगर पालिका इसकी सूद नहीं ले रही है। और यहाँ पर मेन समस्या ये भी है कि अब यहाँ विद्युत विभाग की ओर से जो लाइन कर रखी है, अब सागवाड़ा पूरे में 3 फेज मिलता है और यहाँ पे नगर पालिका के बाशिंदे होकर भी हमें 3 फेज का लाभ हमें नहीं मिल पाता है। यहाँ पे सिंगल फेज लगभग हमने रिपोर्ट भी 5-6 बार रिपोर्ट दी है विभाग को, इसके बाद भी हमको उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। और यहाँ पे पेयजल की भी काफ़ी दिक्कत है, लगभग आधे वार्ड में नल का पानी पहुँचता है और आधे वार्ड में नल का पानी भी नहीं है। सागवाड़ा नगर के होते हुए भी हमें पानी की दिक्कत से भी सामना करना पड़ता है। आपका शुभ नाम सर, आगे आए? जयेश। जयेश जी, बताएं आप इस वार्ड में क्या समस्याएं महसूस कर रहे हैं? समस्या तो आप लाइव जो दिखा रहे हो बिल्कुल सामने ही दिख रहा है। दिनों दिन यहाँ पर बाइक वाले जाते रहते हैं, आवागमन रहता है, यहाँ पर कीचड़ इतना भरा रहता है कि मिट्टी डाल के रखी है, कीचड़ होता है, बाइक वाले गिरते रहते हैं पर डे। और लाइट की समस्या तो इतनी है कि दिन को मतलब मोटर चालू करने के लिए भी हमको घंटों इंतज़ार करना पड़ता है। हमने 6-7 बार रिपोर्टें दी है, हमारे यहाँ पर कॉलोनी के प्रशांत भाव सर भी यहाँ पर आए थे, उन्होंने बोला था कि बहुत जल्द आपका ये समस्या दूर हो जाएगी, लेकिन अभी तक किसी भी विद्युत विभाग के कर्मचारी ने, नगर पालिका ने कुछ भी समस्या का समाधान नहीं किया। तो जैसा कि यहाँ पर मूलभूत समस्या ये सड़क की बताई जा रही है, सड़क पर काफ़ी गड्ढे होने की वजह से बारिश में पानी भरा रहता है और इसके अलावा यहाँ पर 3 फेज लाइन, विद्युत लाइन की समस्या भी बताई जा रही है और पानी की भी समस्या यहाँ पर बताई जा रही है। पानी भी यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाता है। तो जैसा कि नगर पालिका अध्यक्ष नरेंद्र खोडनिया साहब से हमने मुलाकात की थी, इस बारे में चर्चा की थी, उन्होंने बताया है कि यहाँ पर जो ये सड़क आप देख रहे हैं, इस सड़क का डामरीकरण किया जाना प्रस्तावित है और साथ ही अभी हाल फिलहाल इस सड़क पर भराव करके इस जो अभी की हाल फिलहाल में बारिश की समस्या है उससे निजात पाने के लिए उन्होंने बताया है कि ये समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। हालांकि बारिश से पहले ये सड़क डामरीकरण हो जानी चाहिए थी लेकिन किसी कारणों से नहीं हो पाइए। तो नगरपालिका सागवाड़ा से हमारा भी इस चैनल के माध्यम से अनुरोध रहेगा कि जितना हो सके अतिशीघ्र इस समस्या का समाधान निराकरण करना आवश्यक है और साथ ही पेयजल और विद्युत संबंधित जो समस्याएं वार्डवासी बता रहे हैं, जो मूलभूत समस्या हैं, इसका भी समाधान अतिशीघ्र करना चाहिए। सागवाड़ा लाइव न्यूज, जी हाँ, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।